हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, आज की जितनी भी शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है सभी को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा क्योंकि आज की सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो आज की सबसे पहली लेटेस्ट न्यूज़ है UPSC के आयोग के अध्यक्ष को लेकर। UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने लिया चार्ज। आज की लेटेस्ट न्यूज़, पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। सुबह 10:30 बजे चार्ज लेने के बाद अधिकारी एवं कर्मचारियों का परिचय लिया और दोपहर 4 बजे से शाम 7:30 बजे तक मैराथन बैठक की। बैठक में सदस्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी चयन प्रत्येक दशा में विज्ञापन की तिथि से 1 वर्ष के अंदर पूरा हो जाए। अध्यक्ष के रूप में उनकी प्राथमिकताएं पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिभा के आधार पर ईमानदारी से चयन प्रक्रिया को पूरा करना और सभी लंबित चयनों को गति प्रदान करना है। आयोग की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आयोग में दक्षता, प्रभावशीलता एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ आम अभ्यर्थियों के हित को सुरक्षित रखना आयोग का पहला और प्रमुख दायित्व होगा। सभी प्रकरणों में त्वरित निर्णय लेने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। तो यहाँ पर एक नई प्रतिभा जागी है UPSC में, क्योंकि अब जल्द से जल्द सभी कार्य पूर्ण होंगे, परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे और आपके जो परीक्षाएं हैं वह जल्द से जल्द कराई जाएंगी। दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ है, अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होती नज़र आ रही है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर है। 17 जुलाई के बाद इंटरव्यू कराने की तैयारी में आयोग, और ये विज्ञापन संख्या 47 को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है, जिसमें परिणाम जारी किए जा चुके हैं। उसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी और 17 जुलाई के बाद शुरू होने की संभावना है इंटरव्यू, और उनका कार्यक्रम 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ बचे विषयों का परिणाम भी जारी होता रहेगा। इंटरव्यू की शुरुआत विज्ञापन संख्या 46 के बचे विषय वाणिज्य से ही हो सकती है। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों की लिखित परीक्षा कराई है। इसमें से 15 का परिणाम जारी किए जा चुके हैं, जबकि बचे 20 विषयों का परिणाम जारी होना बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका इंटरव्यू 17 जुलाई के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ है, इधर UGC नेट की आंसर की जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की आंसर की मंगलवार को जारी कर दिया। ऑनलाइन आंसर की देखने के साथ ही परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी इसे चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी UGC नेट को लेकर। और फ्रेंड्स, PCSJ को लेकर भी लेटेस्ट न्यूज़ है। PCSJ को लेकर याचिका, PCSJ 2018 परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। अनुराग त्रिपाठी और 141 अन्य की ओर से दाखिल याचिका में परीक्षा के आयोजन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए CBI ने इसकी जाँच कराने की मांग की गई है, और याचिका पर 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। इससे पूर्व इसी प्रकार की मांग को लेकर दाखिल मोहम्मद जुबेर खां व अन्य की याचिका हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ द्वारा खारिज की जा चुकी है। तो PCSJ को भी लेकर यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, जिसमें याचिका डाली गई और उस याचिका भी पहले खारिज कर देगा, उसके बाद फिर से याचिका इसमें डाली गई है। तो ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।